नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सेजवान फ्राइड राइस बनाते हैं, क्योंकि हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसके साथ हमें मंचूरियन बनाते हैं या कुछ ग्रेवी वाले कुछ बनाते हैं ऐसा, क्योंकि चाइनीज़ फूड है। तो आप सेजवान राइस बनाएंगे तो उसके साथ आपको मंचूरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं और चटपटे मसालेदार होते हैं। तो आइए मैं आज आपको बना के दिखाती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए आज मैं आपको उसका बनाने का तरीका सिखाती हूँ, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देखिए। तो सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने ये बॉइल्ड राइस लिए, ये देखिए ये बासमती राइस हैं, और देखिए इनका एक एक दाना खिला हुआ है, ये देखिए। तो ये थोड़े से आप इनको ठंडे कर लीजिए, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने ये सेजवान चटनी ली है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है, ये मैंने ग्रेट करके अदरक ली है, अदरक इसमें बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट आता है। तो कई लोग क्या है कि गार्लिक अदरक का पेस्ट डालते हैं, आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक ग्रेट करके ली है। ये हरी मिर्च है, क्योंकि इसमें हम सेजवान चटनी डाल रहे हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ी सी कम ही डालिए। और ये मैंने प्याज बारीक चॉप करके लिए हैं, और ये हरा धनिया है, और ये मैंने टमाटो केचप ली है थोड़ा सा इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी होती है। और ये थोड़ी सी मैंने सोया सॉस ली है, और थोड़ा सा विनीगर ली है, वाइट विनीगर। और ये मैंने कुछ सब्जियां चॉप करके ली हैं, ये देखिए ये बीन्स हैं जो मैंने बारीक बारीक चॉप की हैं, ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, और ये पत्ता गोभी है। आप इसमें चाहें तो और भी सब्जियां आपकी पसंद की डाल सकती हैं, आप अपने चावल का हिसाब देख लीजिए। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस हैं तो उनका भी आप बना सकती हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। एक तो हमारे चावल भी यूज़ हो जाएंगे और टेस्टी भी लगते हैं हमें। तो आइए आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, और उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डालें, ऑयल डालें, वो आपकी इच्छा है। और इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, ताकि जब हम इसमें राइस डालें तो आपस में वो साइडों से चिपके नहीं। आप इसको किनारों को भी अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। और इसमें अब हम ग्रेटेड अदरक जो हमारे पास है वो डालेंगे। गैस की लो को आप मीडियम कर लीजिए, और इसमें हम जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो डालेंगे। हमने सब्जियों को बिल्कुल पकाना नहीं है, इनका क्रंच हमें बरकरार रखना है। तो आप इसको फुल आंच पे थोड़ी सी देर के लिए सौते करते जाइए। अब हम इसमें गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर में पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम सबसे पहले इसमें गाजर डालेंगे। आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें कलरफुल से। तो आप ये ज़रूर बनाइए, क्योंकि फ्राइड राइस तो चाइनीज़ फूड तो आजकल बच्चों को बहुत पसंद आता है, अगर उनको घर में ही खाने को मिलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। तो इसको हम 1 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी सब्जी डालेंगे। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे और बीन्स डालेंगे। शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हम इसको सबसे लास्ट में डालेंगे। आप इसमें हरे मटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपके पास जो भी वेजेज अवेलेबल हैं आप उसमें डाल सकते हैं। और आप ये देखिए कि आप उनको एक ही साइज़ में काटिए, ताकि वो देखने में भी अच्छी लगें और खाने में भी अच्छी लगे, और उनके पकने के प्रोसेस एक जैसा ही हो। अब हमने इसको 1 मिनट तक पका लिया, और इस टाइम पे हम शिमला मिर्च डाल देंगे। और इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि राइस में भी हमने नमक डाला हुआ है। और इसमें हम 1 चम्मच के करीब विनीगर डाल देंगे, और 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल देंगे,
और हमारे राइस में अच्छा सा बैलेंस, थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच तक भरकर केचप डाल देंगे। और हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच तक शेजवान चटनी डाल देंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के करके डालिए, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी होती है। और इसको मिला लीजिए। और अब हम इसमें बॉइल्ड राइस डाल देंगे। राइस हमारे बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और आइए अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारे शेजवान राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं और खिले खिले एकदम। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर लेफ्ट ओवर राइस हैं तो उनका भी बना सकती हैं। आप स्पेशल राइस को बॉईल करके भी बना सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। थैंक यू।